लोग यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए हैं, कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास। ये जो पानी का जो मसला है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ग्रीन पानी आ रहा है। कई दिनों से ये ग्रीन पानी आ रहा है। लोगों के कंप्लेंट पे हम लोग परसों मिल्लत नगर पे जाकर वहाँ पर देखे, जब पानी छोड़े थे वहाँ पे जाके देखे, इसी तरह का पानी था वहाँ पर भी। ये तो फिर भी साफ है थोड़ा, लेकिन ऐसा इस तरह का पानी आ रहा था, ये पानी गंदा पानी आ रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पर LNT के ऑफिसर्स को बुलाया था, वो लोगों ने वादा किया है कि 2 दिन में करेंगे, लेकिन 3 दिन हो गए। मैं ये भी कही थी कि उनसे कि आप 2 दिन पानी रोक दो, सप्लाई रोक डालो, ये पानी देने से तो बेहतर है कि पानी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि पानी की ज़रूरत हर वक्त रहती है, सुबह से लेकर शाम तक, कि वज़ू के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ये पानी की। इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आकर कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से बात करकर उनको एक मेमोरेंडम देने का डिसाइड किया है। कई लोग आए हैं और आ रहे हैं लोग, कई लोग पानी का मसले के लिए, तो उम्मीद है जल्द से जल्द ये लोग ये मसला हल करेंगे। नहीं तो इसके अगर ये इस बार 2-3 दिन में ये मसला नहीं हल हुआ तो हम लोग रोड पर आके पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है अगर नहीं आए तो। कई दिनों से मसले यहाँ पर दबाव डालने के बाद भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। नहीं, इससे पहले बीजेपी, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट के पूरे ये चाल है वो लोगों की है। और इससे पहले हम लोग जब प्रोटेस्ट किए थे, बात किए थे वो लोगों से, जाके वहाँ पे पानी देखे थे, तो उसके बाद से पानी ठीक हो गया था, फिर से ये शुरू होने से हम लोग फिर से प्रोटेस्ट किए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोग जल्द से जल्द इसका मसला हल करें। LNT का क्या है प्रॉब्लम? वो लोग देख रहे हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, और कुछ मशीन भी लाए हुए हैं वो लोग पानी क्लियर करने के, वो मैं समझती हूँ कि आज या कल में वापस आएगा पंप, वो इंशाल्लाह लगाने के बाद से पानी सही होएगा। और जब तक तो काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। कॉर्पोरेटर और MLA नॉर्थ MLA मैडम खनिज फातिमा साहिबा ने यहाँ पर कॉर्पोरेशन आकर जो पानी का जो सप्लाई, जो तकलीफ़ जो गुलबर्ग के आवाम को हो रही है, ये अब से नहीं, 1 महीना 2 महीने 3 महीने से कंटिन्यू 15-15 दिन 12-12 दिन को सप्लाई हो रही है। जबकि कई वक्त बुलाकर MLA मैडम ने मीटिंग ली है, लेने के बावजूद भी ये लोग अभी तक दस्तान मशहूर हैं। इनके पास ना मैन पावर है, ना इनके पास कुछ ये है कि काम करने के लिए। मैं 2-3 वक्त मैं खुद भी, हम तमाम कॉर्पोरेटर जाकर LNT से जिम्मेदारों से मिलने के बावजूद भी ये लोग कोई स्टेप नहीं उठा रहे। देखिए पानी इतना गंदा आ रहा है, ना आप वजू कर सकते, ना आप ये इस्तेमाल कर सकते। इनको बोलने के बावजूद भी इन लोग आज तक भी स्टेप नहीं लिए। हमने मैडम को बोलने के बाद यहाँ पर आकर कमिश्नर साहब का घेराव कर रहे हैं। अगर ये इमीडिएटली अगर इसको सोल्यूशन नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, इससे ज़्यादा हम एहतजाज करेंगे, या तो LNT यहाँ को बर्खास्त कर देंगे यहाँ से, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है और काम करने का कोई ये नहीं, सिस्टम ही नहीं है। वार्ड नंबर 27 कॉर्पोरेटर JDS, एक तकरीबन 1 महीने से पानी में प्रॉब्लम है, जो कि इतना गंदा पानी आ रहा है, गन्ने का जूस की वजह से आया पानी। हम पब्लिक का कंटिन्यू कॉल आता है, हर जब भी लाइन रहता है उस टाइम पे कंटिन्यू कॉल आता है, हम लोग को नहीं ये सप्लाई में नहीं होगा, नेक्स्ट सप्लाई में होगा, यहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम होते हैं बोल रहे। मगर तकरीबन 1-1.5 महीने से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज पानी यूज़ करने का तो छोड़ दो, उसको क्या है मालूम, देख भी नहीं सकते, वैसे बाजू ठहर नहीं सकते, वैसा पानी है। हम एक कुल्ली नहीं कर सकते, एक गिलास पानी नहीं पी सकते उसमें। पानी LNT के ऊपर दिखा रहा है, LNT कुछ काम नहीं कर रही है, पूरा टोटली गुलबर्गे में LNT फेल है। अब लास्ट जो वाटर बोर्ड वो था वो बहुत अच्छा था, वो अच्छा मेंटेनेंस करते थे। हमारा एक रिक्वेस्ट है कि वाटर बोर्ड को ही दियो वापस बोल के।